हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत करते हैं हेल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं ये मोबिकूल लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में। तो इसके रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी आज के इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे कि यह मोबिकूल लिक्विड जो सॉल्यूशन है उसके अंदर मेनली चार कंपोजिशन इसके अंदर मौजूद है, जैसे कि पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, तो आप सीधे मुद्दे पर बात करते हैं कि ये मोबिकूल लिक्विड जो है दोस्तों ये कौन सी कंडीशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये मोबिकूल लिक्विड जो है दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिपेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन क्रॉनिक हो या फिर एक्यूट हो, दोनों कंडीशन में इसे यूज कर सकते हैं, है ना। तो दोस्तों उसका डोजेस के बारे में बात करें तो दोस्तों ये मोबिकूल लिक्विड जो है ना दोस्तों ये 2 साल के बच्चों से लेकर एक एडल्ट पर्सन तक आप इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका डोज अलग अलग है। ठीक है, तो डोजेस के और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करें, यानी डोजेस और लेने की जो तरीका है उसके बारे में बात करें, तो ऑलरेडी इसके कवर पर लिखा हुआ है। तो दोस्तों एक एडल्ट पर्सन के लिए आप 25 ml मोबिकूल लिक्विड को 100 ml पानी में डिजॉल्व करके दिन में एक बार या फिर 3 बार दे सकते हो। और 2 साल से 6 साल बच्चों को दोस्तों ये 12.5 ml मोबिकूल लिक्विड को 50 ml पानी में मिक्स करके आप दिन में एक बार देना है। और 7 साल से लेकर 11 साल बच्चों को दोस्तों ये 25 ml मोबिकूल लिक्विड को 100 ml पानी में डिजॉल्व करवा यानी डाइल्यूट करके ये दिन में एक ही बार देना है। ठीक है ना, तो दोस्तों इसका मेजरमेंट करने के लिए ऑलरेडी बोतल पर एक कप दिया हुआ है, उससे आप मेजर कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका कोई मेजर साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कुछ लोगों के साथ कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल जाता है, जैसे कि डायरिया हो सकता है, इंडाइजेशन हो सकता है, या फिर एब्डोमिनल पेन हो सकता है, या फिर एब्डोमिनल ब्लॉटिंग हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में ये मोबिकूल लिक्विड के बारे में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में एक नई मेडिसिन की रिव्यू के साथ।